Patriarchy, misogyny, or judiciary? What is common in these three words? Let's find out in today's class. Namaskar. मैं हूं आपकी नेबरहुड इंग्लिश टीचर और आज हम बात करेंगे वोकैबुलरी की. Now look, भाषा परिवर्तनशील होती है. इसका प्रमाण यह है कि हर भाषा किसी न किसी दूसरे भाषा से उभर कर निकली है और सभी भाषाओं में आपको दूसरी भाषाओं के शब्द और शब्दांश दोनों मिलेंगे. अंग्रेजी भाषा खासकर विश्व में सबसे प्रभावशाली भाषा होने के साथ कई भाषाओं के शब्दों के अवशेषों को या डेरिवेशंस को अपने में समेटे हुए है. आज ऐसे कुछ शब्दों को आइडेंटिफाई करने और उसके मीनिंग्स को इंटेलिजेंटली गेस करने का एक ट्रिक हम आपके साथ शेयर करेंगे. तो आगे बढ़ते हैं. इंग्लिश हैज अ लॉट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स. मतलब ये कि कई ग्रीक और लैटिन मूल के शब्द या शब्दांश अंग्रेजी के वोकैबुलरी को एनरिच करते हैं. लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग यूजिंग एग्जांपल्स. एक ग्रीक रूट है मीसो, विच मींस हेट्रेड. अब इंग्लिश लैंग्वेज में मीसो से कई शब्द बनते हैं, लेकिन एक खास शब्द है जो हमारे समाज के कोने कोने में बसा है. इनफैक्ट आजकल तो देश की अदालतों में जो महिला आंखों में पट्टी बांधकर हाथ में तराजू लिए खड़ी रहती है ना, वो इसलिए आंखों में पट्टी बांधे हुए है कि उन्हें ये दिखाई ना दे. वो शब्द है मिसोजिनी. नाउ इसी शब्द में आपको दो रूट्स दिखाई देंगे, मीसो विच मीन्स हेट्रेड एंड GYNE विच मीन्स वुमेन, गायनी. तो मिसोजिनी का अर्थ हुआ हेट्रेड ऑफ वुमेन. अब ट्रिक यहां आता है. In English, whenever you come across a word with any of the two above roots, आप समझ जाइएगा कि अगर वो root miso है, M-I-S-O, या उसका कोई भी form, for example, miss, then it has to do something with hatred of the word it is attached with. For example, hatred of X. And when you come across a word जिसमें G-Y-N-E root है, या any of its forms, it has to do with women. जैसे misandry, which means hatred of men. Misanthrope, which means hatred of human beings. Misarchy, which means hatred of government. Androgyny, which means having both male and female characteristics also, which is against Indian culture, unlike marital rape. Misogamist, which means someone who hates marriage. Also something women might soon become after the slew of get married to your rapist verdicts by certain members of the Indian judiciary. Now, अगर मीसो रूट वाले शब्द हेट्रेड या एंटी होना इंडिकेट करते हैं तो इसके ऑपोजिट में है फाइलो या फिलो. वर्ड्स विद द रूट फाइलो इंडिकेट लव, जैसे बिब्लियोफाइल, यानी जिसे किताबें पसंद हो. इसमें बिब्लियो इज द रूट फॉर बुक्स. देर आर अ फ्यू वर्ड्स इन इंग्लिश विद द रूट बिब्लियो. फाइंड दोज आउट एंड मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स. सिमिलरली देर आर वर्ड्स लाइक फिलैंथ्रोपिस्ट, दैट इज अ लवर ऑफ ह्यूमन काइंड. Philatelist, a lover of stamps, that is somebody who collects stamps. Other than miso, another word root which can be the opposite of phil or philo is phobe. Lekin jahan miso ka arth hatred hota hai, wahi phobe ka arth fear hota hai. Jaise hydrophobia, that is the fear of water, wo bimari jo kutton ko ho jati hai rabies hone par. Ya homophobia, the fear of men being treated the same way they treat women in a patriarchal society. मिसोजिनी और होमोफोबिया से याद आया, लेट्स ब्रेक डाउन जुडिशरी. द वर्ड जुडिशरी, जुडिशरी इज ऑफ लैटिन ओरिजिन. इट इज मेड अप ऑफ यूडिक और ज्यूडिक, मीनिंग जज, एंड द सफिक्स एरियस जो बिलोंगिंग इंडिकेट करता है. जैसे जुडिशरी का मतलब हुआ बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू जजेस और जजमेंट्स. So anything with the root यूडिक और ज्यूडिक विल मीन समथिंग रिलेटेड टू द जस्टिस सिस्टम, जजमेंट्स और कोर्ट्स. Let's quickly look at a few examples. जैसे sub judice, यानी वो मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा हो. जैसे क्या गवर्नमेंट सर्वेंट रेपिस्ट उसके सर्वाइवर से शादी करेगा, जानिए अगली तारीख में. या prejudice, यानी पूर्वाग्रह. वैसे जैसे नवदीप को allegedly assault करने वाले जेल कर्मियों के मन में था कि दलित है तो दलित की तरह बिहेव क्यों नहीं कर रही है. एडजुडिकेटर, जो किसी झगड़े या फसाद में दो पार्टियों के बीच में जजमेंट करता हो. अब दो बहुत कॉमन वर्ड रूट की तरफ बढ़ते हैं. द फर्स्ट वन इज कॉन. कॉन एक लैटिन वर्ड रूट है जिसका अर्थ होता है टू कम टुगेदर. यह एक बहुत ही प्रोडक्टिव वर्ड रूट है, यानी कॉन से कई शब्द अंग्रेजी में बनते हैं. जैसे कन्वर्ज, यानी एक साथ इकट्ठा होना. कॉन्फ्रेंस, कन्वर्ट, यानी पूरा ऑल टुगेदर बदल जाना. कांग्रेस,
यानी साथ आगे बढ़ना या साथ आगे चलना या कॉन्सेंट. वैसे कंसेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन एंड सेंटियर व्हिच टेक्निकली मींस टू फील टुगेदर. लेकिन जहां लड़की से पूछे बिना उसका रेप हो सकता है, रेपिस्ट से शादी हो सकती है, कंप्लेन करने पर पिता की हत्या हो सकती है, वहां इसकी क्या जरूरत, हटाओ. कंसेंट के खून से याद आया, द सेकेंड कॉमन वर्ड रूट इज साइड व्हिच मींस किलिंग और किलर. CIDE नॉट SIDE. अब CIDE यानी साइड वाले सभी वर्ड्स हैव समथिंग और द अदर टू डू विथ किलिंग. जैसे पेस्टिसाइड, वो जो कीड़ों को मारे. सुइसाइड, वो जो खुद को मारे. फीटिसाइड, टू किल अ फीटस, यूजुअली कंपनीड बाय द वर्ड फीमेल. जेनोसाइड, टू किल अ लॉट ऑफ पीपल. पैट्रिसाइड, टू किल वन्स फादर, एटसेट्रा. इस लास्ट वर्ड में पैट्री वर्ड लैटिन शब्द पैटर से ओरिजिनेट करता है विच मीन्स फादर. यू हैव यूज्ड इट बिफोर, रिमेंबर पेट्रियार्की, विच मीन्स रूल ऑफ द फादर, यानी पितृसत्ता, यानी वो सिस्टम जो हमारे यहां है. तो इसी तरह इंग्लिश में ऐसे कई वर्ड रूट्स हैं जिनको आप आइडेंटिफाई करके उनके मीनिंग समझ लोगे तो यू विल हैव लॉट्स ऑफ हेल्प इन इंटेलिजेंटली गेसिंग द मीनिंग ऑफ मेनी मोर वर्ड्स देन यू न्यू इन द फर्स्ट प्लेस. लेट मी नो इफ यू फाउंड द ट्रिक हेल्पफुल और कोशिश करते रहिए, क्योंकि अंग्रेजी केवल एक भाषा है, आपकी बुद्धिमत्ता का परिचय नहीं. नमस्कार.